रियलमी यू आई का इंतज़ार हम लोग काफ़ी दिनों से कर रहे हैं और अब रियलमी यू आई के जो अपडेट हैं वो आने लगे हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल टेक बाज़ार में। दोस्तों यहाँ पे रियलमी एक्स टी में जो बीटा टेस्टिंग चालू है उसमें यहाँ पे जो रियलमी यू आई का अपडेट है अभी रोलिंग आउट होना चालू हो गया है और बहुत जल्दी स्टेबल रोम्स जो है रियलमी एक्स टी सारे यूज़र और रियलमी 3 प्रो के लिए इस महीने रिलीज़ कर दिए जाएंगे। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर रियलमी यू आई में आपको मिलने वाले हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों बीटा टेस्टिंग वालों को अभी आप देख सकते हो W.18 वाला अपडेट मिलने लगा है। पहले इनके पास कलर ओएस 7 विद एंड्रॉयड 10 था, अब यहाँ पे रियलमी एक्स टी आप देख सकते हो वर्जन 1921 जो है रियलमी एक्स टी का है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो रियलमी यू आई देखने को मिल रहा है यहाँ पे पहले कलर ओएस 7 लिखा रहता था, आपको भी आपके डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। बट अभी जो रियलमी यू आई का अपडेट आपको रिसीव होगा उसमें यहाँ पे रियलमी यू आई देखने को आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले क्या मिला। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपडेट फीचर में यहाँ पे अपडेट यू आई टू रियलमी यू आई लिखा गया है, मीन्स कलर ओएस 7 की जो यू आई थी उसे रियलमी यू आई में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया गया है। और अगर सेकेंडली आप यहाँ पे देखोगे तो अपडेट बूट एनिमेशन को यहाँ पे चेंज किया है। तो बूट एनिमेशन अभी फिलहाल से तो चेंज यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है, जब भी आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे तीसरा सेक्शन आप देखोगे तो AOD सेटिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं और यहाँ पे न्यू लॉक स्क्रीन वॉलपेपर और डेस्कटॉप वॉलपेपर को भी ऐड किया गया है। तो ये जो अपडेट है रियलमी UI से रिलेटेड है और यहाँ पे काफ़ी सारे जो बग्स थे उसे भी यहाँ पे फिक्स किया गया है। अपडेट के बाद रियलमी UI कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, रियलमी X50 में आपने देखा होगा। और यहाँ पे इससे रिलेटेड मैंने एक थीम भी बनाई है, आप उसे चाहो तो चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। रियलमी X50 की भी थीम आपको देखने को चैनल में मिल जाएगी, तो कुछ इस टाइप से लुक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अपडेट के बाद AOD सेटिंग में अगर आप जाओगे तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं, स्टार्ट और एंड का भी फीचर यहाँ पे ऐड किया गया है। यहाँ पे स्क्रीन ऑफ कंटेंट के भी आप ऑप्शन देख सकते हो, क्लॉक ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से, डेट, बैटरी और नोटिफिकेशन कर सकते हो। एक मंत्रा का ऑप्शन यहाँ पे रियलमी की तरफ से ऐड किया गया है। ये मंत्रा ये चीज़ें दोस्तों यहाँ पे आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, इस टाइप से अपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हो। यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हो और आप यहाँ पे कलर्स वगैरह दे सकते हो, तो यहाँ पे चाहे तो अपना नाम या लिख सकते हो। तो बहुत ही अच्छा ये जो फीचर्स प्रोवाइड किया गया है ये यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के तहत देखने को मिलेगा, जो कि रियलमी UI में यहाँ पे से मंत्रा नाम दिया गया है। रियलमी UI से रिलेटेड और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिसमें यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल, डिलीट का ऑप्शन, और यहाँ पे अगर आप बहुत सारे जो टास्क करते हैं रिसेंट टास्क वगैरह तो यहाँ पे एक अलग टाइप का साउंड इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो है ये वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा।
तो यहाँ पे दोस्तों जो Realme UI का स्टेबल वर्जन है वो Realme 3 Pro और XT के लिए इस मंथ में बहुत जल्दी रिलीज़ किया जाएगा, और देखते हैं कब आएगा और क्या फीचर यहाँ पे और भी इंक्लूड होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बोलते रहिए वंदे मातरम।